प्रिय दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बारीक डोरी और सुंदर लटकन बनाकर दिखाएंगे, सरल और आसान तरीके से। चलें लटकन और डोरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बारीक डोरी बनाकर दिखा देते हैं। तो बारीक डोरी बनाने के लिए आपको पौना इंच का आपको फैब्रिक कटिंग करना होगा। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लिए हैं पौना इंच का उरेप में, यानी कि 22 में। और यहाँ हम बिल्कुल सिलाई भी लगाएंगे बारीक, जैसे कम से कम 2-2.5 mm का। तो इस तरीके से हम बिल्कुल बराबर सिलाई लगा लेंगे 2.5 mm का। यहाँ हम एक लंबा धागा खींच लेंगे पलटने के लिए। यहाँ फिर दोबारा हम 1 इंच फैब्रिक पकड़ते हुए बड़े धागे जो निकाले हैं उससे हाफ, यानी कि उससे आधा हम एक धागा और निकाल लिए हैं। यहाँ हम फैब्रिक का पॉइंट थोड़ा सा मार्जिन झाड़ देंगे जहाँ से हमें पलटना होता है। यहाँ हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो बड़ा धागा हम निकाले हैं उसको नीडी में हम डालेंगे। तो इस तरीके से हम नीडी में बड़े धागे को डाल लिए हैं और छोटा जो धागा है उसको हम गांठ बांध लिए हैं। अब यहाँ हम उसी नीडिल से हम इसको पलटेंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कभी आप देखे होंगे जिसमें हम धागा बांध कर पलटते हैं, कभी वहाँ से फैब्रिक टूट जाता है, कट जाता है, तो इसमें ये परेशानी आपको कभी नहीं आएगी। और बहुत ही सरल तरीका है ये बारीक डोरी पलटने के लिए। और ये बारीक डोरी भी होगा और बिल्कुल हार्ड होगा, यानी कि टाइट होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों, डोरी पलटने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम डोरी को पलट लेते हैं। एक चीज़ यहाँ हम और आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए डोरी पलटते समय हमें ध्यान देना होता है कि जहाँ से हम पलटते हैं वहाँ पे इकट्ठा ज़्यादा फैब्रिक ना हो। जैसे यहाँ पे जैसे फंस जाएगा तो आपको पलटने में परेशानी होगी। तो आप उसको टाइट मत खींचिए, थोड़ा सा उसको बैक कर लीजिए और फिर उसको पलटिए, आप आसानी से पलट लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों डोरी पलटने का। आप जितना ही बारीक डोरी पलटना चाहते हैं, टाइट पलटना चाहते हैं, उतना बारीक और टाइट इसमें पलट सकते हैं। तो ये आप डोरी देख सकते हैं कितना बारीक है। अब यहाँ हम डिजाइन जो बनाएंगे उसके लिए एक यहाँ गांठ लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा पोटली बनाएंगे जो हम फैब्रिक से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक ले लिए हैं और जो हम डोरी बनाकर रखे हैं उस पोटली में हम बांधेंगे उसको। पोटली बनाने के लिए आप जो हम फैब्रिक लिए हैं अंदर, उसको आप बारीक भी कटिंग कर सकते हैं। बारीक कटिंग करेंगे तो थोड़ा और सफाई आएगी उसमें। यहाँ हम अच्छे से उसको बांध लेंगे पोटली को। हमारे इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से हम पोटली को बांध लिए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, मार्जिन जो एक्स्ट्रा है इसमें, तो 3 सूत मार्जिन रखते हुए हम बाकी मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो हम पंखुड़ी बनाएंगे डिजाइन का, तो इस तरीके से हम फैब्रिक लिए हैं उसका 2x2 का। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा बनाना है तो 2.5x2 का ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम बीच से ऐसे चुनट करेंगे उसको। तो इस तरीके से हम चुनट कर लेंगे। चुनट करने के बाद उसको स्टिच कर लेंगे। दूसरा पंखुड़ी भी हम बनाते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन है दोस्तों और सरल भी है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम चुनट कर लेंगे। बहुत से आपने देखे होंगे ये डिजाइन बनाने के लिए है हाथ वाले सुई से बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन हाथ वाले सुई से बनाने से कोई आवश्यकता नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। और ये जो है सिंगर से जो हम बनाते हैं इसमें बहुत कम समय से बन जाता है। तो यहाँ पे हम 4 पंखुड़ी लेंगे
फिर इसको किस तरीके से बनाना है हम आपको अच्छे से बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे हम बहुत ही स्लो ही वीडियो दिखाते हैं ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए ये डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, कैसे पैच करेंगे, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। अब यह हम क्या करेंगे, जो हम पोटली जो बांधे हैं धागे से, उसी धागे के पास जो हम स्टिच किए हैं पंखुड़ी का, बिल्कुल सेम वहीं पे बैठाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड में हम बैठा लिए, उसके बाद फिर दोनों साइड में एक एक और बैठा लेंगे। ऐसे इसका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि सुंदर दिखे और बराबर दिखे। अब हम चारों पंखुड़ी को धागे से बांध लेंगे। तो इस तरीके से हम धागे से उसको बांध लेंगे मजबूती के साथ। चारों पंखुड़ी का डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे पंखुड़ी को, फिर उसको हम बांधेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज और जेंट्स सभी के लिए डिजाइनिंग के साथ पैंट शर्ट ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गांठ अच्छे से बांध लेते हैं। गांठ बांधने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका फैब्रिक जो है, जो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, इसको हम 3 सूत फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम डिजाइन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हम पोटली जो बनाए हैं इसका ऊपर, उसी फैब्रिक को हम नीचे लेंगे। तो ये फैब्रिक हम कितना लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 2.5 बाई 2.5 का फैब्रिक ले रहे हैं। और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम। फोल्ड करने के बाद यहाँ हमें ऐसे बैठाना होगा, यहाँ बिल्कुल जड़ में हम बैठाएंगे उसके, और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ऐसे हम एक और फोल्ड करेंगे और उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल हम जड़ में सटा लेंगे उसके। यहाँ हम सिलाई घुमाकर यहाँ पे टांकी लगा लेंगे। उसके बाद हम मार्जिन इसका जो है एक्स्ट्रा, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, फिर इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से हम पलट कर जहां पे हम पंखुड़ी सेट किए हैं, जहां पे पंखुड़ी है इसकी, वहां तक इसको हम इस तरीके से बैठा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लटकन और डोरी बनके तैयार हो गया। डोरी और लटकन बनाना पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।